हज़रत मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी अम्मा फ़जर की नमाज के बाद ये टूटियाँ न जिसा होती तो वो छोटा सा बरामदा था तो बरामदे के ऊपर बैठ के वज़ायफ़ करते थे और फिर शराब की नमाज तक वहाँ बैठते और फिर तशरीफ़ ले जाते गर्मी की शिद्दत थी तो हज़रत फ़राइज की अदायगी के बाद वहाँ चले गए तो नमाजियों ने आपस से मशवा किया कि यार हज़रत को अर्ज करें कि बारिश के लिए दुआ की जाए तो हज़रत जा वहाँ अपने वज़ायफ़ में लग गए तो उन्होंने कहा चलो हम मस्जिद के सेहन में खड़े हो जाते हज़रत तवज्जो करेंगे तो अर्ज़ करेंगे तो जितने नमाजी थे वो सारे सहन में खड़े हो गए और बरामदे के ऊपर मियाँ साहब वज़ाइफ में लगे जब आपकी नज़र पड़ती ना लोगों की जानब तो जितने भी नमाजी थे सारे हाथों से इशारे करके कहते यानी दुआ करो जुबान से ना बोलते हाथों को ऐसे हिलाते और ये कहते कि उधर आसमान की तरफ इशारा करके कहते दुआ करो मियाँ साहब फिर वजायफ में लग जाते फिर जब मियाँ साहब की आंख उठती ना तो ये सारे हाथ उठाते और आसमान की तरफ हाथ उठा कहते मियाँ साहब फिर वजायफ में लग जाते जब दो तीन मरतबा ऐसा हुआ ना तो मियाँ साहब की हंसी निकल गई और ऐसे आसमान की तरफ देख के कहा चल हो पा दे कहते हैं बस ये बात कहने की देर थी कि छम चम छम मी बरसने लगा तो जब कोई हुजूर का हो जाता है तो रब उसको अपना महबूब बना लेता है तो हुजूर की मोहब्बत खुदा की महबूबियत का ज़रिया है इसलिए हमें हुजूर का प्यार अपनी रूहों में मोज़म करना है, हुजूर की मोहब्बत अपनी रूहों में उतारनी है और मोहब्बत अपने तमाम तर तकाजों के साथ जब रू पजीर होगी तो फिर हमारा अंदाज़ ज़िंदगी भी संवर जाएगा हमारी आखिरत भी सँवर जाएगी मोहब्बत के मिन जुमला तकाज़ों में से सबसे बड़ा तकाजा महबूब की अतात है कि बंदा जिससे प्यार करता है उसकी बात मानता है यह है दावा मोहब्बत का सबूत उसकी दलील और हुजूर के सहाबा की जिंदगियां देखिए कि उन्होंने हुजूर हजूर अलातम के साथ कैसे प्यार किया हुजूर की मोहब्बत में अपनी आदतों को बदल दिया हालांकि आदतें नहीं बदली जाती दो सके भाई हों रिश्ता कितना गूढ़ा है और एक घर में परवरिश पाई है एक गोद में पले हैं एक बाप के गहवारा ये तरबियत में रहे हैं लेकिन तबाह में इख्तलाफ़ एक, एक फितरी बात होती है हमारे पास लोग आते हैं दो सके भाई होते हैं एक की तबीयत इधर को जा रही होती है दूसरे का मिजाज इधर को जा रहा होता है एक सख्त नरम मिजाज होता है और दूसरे की आंखों से अंगारे फूट रहे होते हैं एक माफ कर देने वाला होता है एक सख्त वसीला होता है एक की तबीयत के अंदर तलखी की चंगारियाँ होती हैं और एक की तबीयत के अंदर नरमी के फूल होते हैं आपने भी देखा होगा तो ये ऐसा होता है अब इसी तरह खाने पीने की चीज़ों में तबाह का इख्तलाफ यह फितरी बात है एक को एक चीज़ पसंद होती है दूसरे को वो चीज़ पसंद नहीं होती है का मां को मसला होता है कि ये चीज अगर मैं तैयार करती हूं तो मेरा दूसरा बेटा नहीं खाता तो उसके लिए बात अलग से कुछ चीज तैयार करनी पड़ती है कि उसकी डिमांड यह है और मेरे इस बेटे की डिमांड यह है मैं मिजाज समझती है एक आगोश में परवरश पाने के बावजूद खून एक है ये तबीयत एक है दूध एक है लेकिन तबीयतों के अंदर इख्तलाफ पाया जा रहा है लेकिन सिहाबा की जिंदगियां देखिए उन्होंने अपनी तबीयतें भी हुजूर की तबीयत के सांचे में ढाल दी हजरत अनस बिन मालिक को किसी ने देखा कि वो शोरबे से कद्दू के टुकड़े निकाल निकाल के खा रहे हैं तो कहा ये क्या कर रहे हो कहा मैंने एक दिन हुजूर को यूं करते हुए देखा था तो तबाहे का इख्तलाफ ये एक फितरी इख्तलाफ होता है लेकिन सयाबा ने उसको भी छोड़ा और हुजूर की मोहब्बत के सांचे में डाल दिया फिर इस चीज का इंतजार नहीं किया कि हुजूर का फरमान क्या है हजूर की चाहत पर अपने मिजाज को बदला अल्लाह अकबर हजूर आसलात मदीनातुलमनवरा की गली से गुजर रहे थे एक गुंबद नमा मकान बन रहा था और ऐसे मकान को पसंद नहीं थे तो आका करीम ने पूछा ये मकान किसका है कहा फलान सारी का है हुजूर गुजर के चेहरे पे थोड़े से नागवारी आसार हवेदा हुए किसी ने उस सहाबी को बता दिया कि हुजूर गुजरे थे तेरे मकान को देखा शायद पसंद नहीं आया दो चार दिन के बाद हुजूर दोबारा गुजरे देखा कि वहां मलबे का ढेर पड़ा हुआ था को बुलाओ, बुलाया गया। कहा मैं परसों तरसों गुजरा था तेरा मकान देखा था यह क्या हुआ अर्ज की मैंने गिरा दिया फरमाया क्यों अर्ज की सुना था आपको पसंद नहीं सुना था आपको पसंद नहीं मैं और आप देखें हमारा क्या क्या हुजूर को पसंद है। सर से लेकर पांव तक निजी जिंदगी से लेकर सियासी जिंदगी तक अपने जात से लेकर के अपनी मुआशरती जिंदगी तक हमारा क्या क्या हुजूर को पसंद नहीं और हर वो चीज बदल दें जो हुजूर को पसंद नहीं मोहम्मद दी ज़ियारत मोहम्मद दे रंग बच्चे ठगबाजियां जाने प्यारा मोहम्मद सल्लाहो वसल्लम मेरे शेख कामिल का एक शेर है और वो शेर इतना वजनी है कि अगर मेरे पास जवाहर लाल मोती हों और मैं एक परड़े में डाल दूँ और एक परड़े में ये शेर रख दूँ तो ये शेर फिर भी भारी होगा यारी ला तू पाक नबी संग ए पर पूरी यारी फेर दरूद कबूल है तेरा लख नलों एक बारी सवा लाख मरतबा दूध पढ़ना एक तरफ और एक दफ़ा हुजूर की जात पे दरूद पढ़ना, उनकी मोहब्बत के सांचे में यूँ ढल करके जो वो कहते हैं वो मेरी जिंदगी कामल है ये उससे वज़नी है ये उससे भारी है तो हुजूर की मोहब्बत, हुजूर के एक सही थे वो हुजूर को मिलने आए और आए थे बहरीन से अच्छा उन्होंने हजूर को सलाम किया तो हजूर ने रुख फेर लिया नाराजगी का इजहार किया तो वो समझे कि शायद हुजूर ने ऐसे ही रुख फेराया तो जिधर हुजूर ने रुख पेरा वो उधर जाके सलाम करते हैं तो हुजूर ने फिर रुख फेर लिया समझ गए कि हुजूर नाराज हैं अब उन्हें समझ ये नहीं आ रही थी कि नाराजगी का सबब क्या है वो असहाब रसूल से पूछने लगे कि हुजूर मुझसे नाराज नाराज लगते हैं आप में से कोई बता सकता है कि हुजूर क्यों नाराज़ हैं अल्लाह अकबर आज तो कोई बड़ा बाप हो मुर्शद हो उस्ताद हो नाराज़ हो जाए और शागिर्द को नाराज़गी की वजह मालूम ना हो तो वो उल्टा नाराज़ आगे से हो जाता है कि मैंने जुर्म क्यों किया है कि उस्ताद का मिजाज बिगड़ गया है अल्लाह अकबर लेकिन देखिए रंग देखिए मोहब्बत के वो सिह से पूछता फिरता है कि हुजूर मुझसे नाराज़ हैं मुझे, नाराज है। मुझे बताइए कि क्या सबब हुआ तो उन्होंने कहा कि ये तेरे हाथ में जो सोने की अंगूठी है इससे हजूर नाराज़ हैं हुजूर इसको मना कर चुके हैं उम्मत के लिए सोना चांदी हुजूर ने उम्मत के मर्दों के लिए मना फरमा दिया सिर्फ साढ़े चार माशे से कुछ कम की अंगूठी चांदी की और वो भी अदद में एक हो शरीयत ने जायज रखी है अगर दो दो माशे की दो होंगी तो फिर भी जायज नहीं औरत को जायज है दस अंगूठिया पहने सोने की पहने चांदी की पहने ये उसका जेवर है मर्द को जेवर की जरूरत नहीं है जीनत की जरूरत नहीं है लिहाजा मर्द के लिए एक अंगूठी रखी गई है वो भी इसलिए कि अगर वो कहीं मुश्किल में हो तो उसको बेच करके दो वक्त का खाना ले सके बाकी उसके लिए अंगूठी साढ़े चार माशे से कम का चांदी या सोना एक माशा ही क्यों ना हो उसके लिए जायज नहीं है तो उसने सोने की अंगूठी पहन रखी थी लेकिन उसे हुरमत का पता नहीं था तो उसने कहा कि हुजूर मुझसे क्यों नाराज हैं तो सहाबा ने कहा शायद ये इस अंगूठी की वजह से नाराज हैं तो उसने ये नहीं कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था बेदा क्या कसूर खैर उसने अंगूठी उतार के हुजूर को पेश करते कहा हुजूर आप इस वजह से नाराज हैं हुजूर ने अंगूठी पकड़ी और ऐसे फेंक दी नाराजगी की वजह खत्म हो गई वो बैठ गया बात शुरू हो गई अल्लाह अकबर जब सिलसिला एक कलाम होता रहा जब मजलस बर्खास्त हुई लोग उठ के घरों में जाने लगे वो भी उठा और उल्टे पाँव से पीछे चला तो किसी ने उसको कहा वो अंगूठी तो उठा लो सोने की अंगूठी है कीमती है चलो तुम्हारे लिए पहनना जायज नहीं तुम्हारी बीबी के लिए तो जायज है तो उसने क्या जवाब दिया सुनिए उसने कहा ला वाहे अल्लाह की कसम मैं इस अंगूठी को कभी भी नहीं उठाऊंगा जिसको मेरे हुजूर ने फेंक दिया है तो यह थी उनकी मोहब्बत यह था उनका अंदाज तो आइए मैं और आप हुजूर से अगर मोहब्बत करते हैं तो हजूर आसमाम का तर्ज़ ज़िंदगी हुजूर का अंदाज़ माशरत इख्तियार करें कसरत के साथ माएँ बहने बेटियाँ भी मौजूद हैं वो भी अपनी औलादों की तरबियत इस नेहत से करें कि वो हुजूर की सुन्नत हुजूर की सीरत और हुजूर की इतबा के सांचे में ढल जाएं ज़िंदगी का मकसद ही यही है आए बड़े हुए जवान हुए बूढ़े हुए चले गए हम से पहले भी चले गए हम भी चले जाएंगे बाद में आने वाले भी चले जाएंगे लेकिन कामयाबी उसको नसीब हुई जिसने इस दुनिया पे आके दुनिया की ज़िंदगी के मकसद को समझा हम आए क्यों थे ज़िंदगी किस लिए हमें दी गई थी अकबर अलाबादी ने क्या सुथरी तनकीद की थी क्या बताएं अहबाब क्या कार नमाया कर गए बी ए नौकर हुए पेंशन मिली और मर गए ये कोई काम नहीं है हमारी जिंदगी का कोई मकसद है जिसलिए हम इंसान हैं अशरफुलमखलूक हैं देखिए गदा सारा सारा दिन बोझ उठाता है अल्लाह अकबर मेरे साहब ने एक गधे से भी एक मुजना किया है कि सारा दिन जो है वो बोझ उठाए और काम करे और फिर मालिक उसको गजा भी ना दे वो जाके रूढ़ियों से और बाहर से जाके चल के फिर आके काम मालिक का करे मालिक उसको दे भी ना और वो बाहर से खा के आए और काम मालिक का करे तो अगर बंदा हो के इंसान हो के अगर ना करे तो मेरे हजूर ने एक लंबी रुबाई है उसमें आखिर में लिखते हैं तू चंगा या कूब या खोता तेनू शर्म ना आए कि अगर वो एक गदा भी काम करे अपनी पीठ पर बोझ ला दे और तू अपने मालक के लिए कुछ ना करे और सारी नियमते मालिक ने तुझे दी हैं और इज्जतें और आबरू तेरे नाम की हैं और तू उसका ही अदा ना करे तो फिर किस तरह तेरे से तो फिर उलाई का कल अनाम बल हम अदल फरमाया तू चौपाया है बल्कि चौपायों से भी बदतर है तो मैं और आप अपने आप को इंसान साबित करें आज मौका है से साबित ने अजय हवास तेरे से साबित ने अजय हवास तेरे कर लै नेकियां रज के तू रब रसूल क्यों पुल बैठो आ रब रसूल वल भज के तू आई मौत इथे रह सन कम तेरे आई मौत इथे रह सन कम तेरे नेकियां कर ले भज के तू कि आख सन लोग याकूब तैनू जब तुर सर सरमो कज के तू वो वक्त आएगा जब तनिया बांध दी जाएंगी जब दोनों जानब से कफन बांध दिया जाएगा फिर पर्दा हटा हटा के देखा जाएगा फिर बंद कर दिया जाएगा वो कि लम्हे कितने दर्दनाक होंगे वो घड़ियां कितनी दर्दनाक होंगी आज मुझे और आग को अल्लाह ने मौका दिया है तो आज हुजूर की सीरत को अपनाने का अपनी रूहों में उतारने का अजम करके